एक तरफ लहसुन की आसमान छूती कीमतों से लोग परेशान हैं, लहसुन 300 रुपए प्रति किलो के पार बिक रहा है, तो कीमतें बढ़ते ही चोरों की नज़र भी अब लहसुन पर आ गई है। चोरों ने लहसुन पर हाथ साफ करना शुरू कर दिया है। बढ़ते दामों के बीच उत्तर प्रदेश के महुआ में चोरों ने सब्जी मंडी में दुकान का ताला तोड़कर 60,000 रुपए का लहसुन पार कर दिया। चोर दुकान का शटर तोड़कर लहसुन चुराकर फरार हो गए। दुकानदार ने जब माल का मिलान किया तो लहसुन की 8 बोरियां गायब मिली। बताया जाता है कि सब्जी मंडी में आलू प्याज लहसुन के थोक विक्रेता मोहम्मद इमरान ने जब अपनी दुकान खोली तो दुकान का शटर टूटा हुआ मिला। फिर दुकान में रखे माल का मिलान किया गया तो पाया कि लहसुन की 8 बोरियां लापता हैं, जिसकी बाजारी कीमत 60,000 रुपए है। ये देख दुकानदार के होश उड़ गए। आलू प्याज लहसुन की थोक विक्रेता हूँ मैं, वहाँ लहसुन रखा रहता है, उससे 8 बोरी लहसुन रात को चुर गया। मैं जब सवेरे आया मैंने दुकान खोली तो उसमें 8 बोरी लहसुन कम था मेरा। कितने का लहसुन? लहसुन लगभग 60,000 रुपए का। कैसे, क्या लगता है आपको, कौन लोग हो सकते हैं? यही कुछ दारू घोर फिरते रहते हैं, हाँ कुछ लोग हैं, कुछ दुकान कुछ भी कोई भी हो सकते हैं, अज्ञात लोग हैं, कुछ बता भी सकते कौन लोग ले गए हैं। क्या भाव चल रहा है लहसुन का? लहसुन 180-190 रुपए किलो। पुलिस को सूचित किया आपके द्वारा? जी किया है, पुलिस को सूचना दी है, आ रही है पुलिस। चोरी की वारदात शहर के कीरत सागर इलाके में संचालित थोक मंडी में हुई है, जहां बढ़ती ठंड के बीच अज्ञात चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। सब्जी मंडी में हुई चोरी की वारदात से व्यापारियों में दहशत है। सब्जी व्यापारियों ने सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ाए जाने की मांग की है। वहीं पीड़ित दुकानदार की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।